आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट का एक बहुत ही स्पेशल केस है जिसको हम लोग इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म की बात करेंगे। आपको तो पता ही होगा कि जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या जीरो बाई जीरो फॉर्म आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले लॉपिटल्स रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों की लॉपिटल रूल से हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अलावा हम लोग और भी इनोवेटिव प्रोसेस भी देखेंगे। ठीक है, देखो मान लीजिए सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया, जो क्वेश्चन है आपका मान लीजिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4x² प्लस 3x प्लस सपोज लीजिए 9 भाई कुछ भी एक मान लीजिए 5x² माइनस 7x प्लस 3। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो अगर हम लोग इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी पुट करने पे ये क्या होगा, ये होगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इसका मतलब हम लोग इसको लॉपिटल रूल से अप्लाई कर सकते हैं। जब भी लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या बोलता है कि ऊपर और नीचे को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करना है। तब तक डिफ्रेंशिएट करना है जब तक ये फॉर्म हट ना जाए। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4x² में डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे तो हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा प्लस 3 बाई, ये कितना होगा बच्चे बोलो, ये होगा 10x माइनस 7। अभी भी x है इसका मतलब लिमिट का एग्जिस्टेंस अभी भी रहेगा, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग लिखेंगे। अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये फिर आएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इसका मतलब अभी फिर हम लोग लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उससे हम लोग आंसर क्या आएगा 8/10 विच इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा ये। ओके, ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस, आंसर कितना आ रहा है 4/5। अब हम लोग करेंगे इसको दूसरे प्रोसेस से भी सॉल्व करेंगे। आपको ये पता ही है कि जब भी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 1 x टेंड्स टू जब इन्फिनिटी होगा तो 1/x टेंड्स टू कितना होगा 0। वेरी गुड, तो क्या करेंगे इसको हम लोग कि ऊपर का हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर को चेक करेंगे। ऊपर में हाईएस्ट पावर है आपका x², नीचे में हाईएस्ट पावर कितना है वो भी x² है, तो हम लोग ऊपर नीचे x² से डिवाइड करेंगे। x² से डिवाइड करने पे ये लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो होगी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 4+3/x प्लस 9/x² / 5-7/x प्लस 3/x². अगर आप ध्यान दें तो जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है तो 1/x टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो 1/x टेंड्स टू जब 0 होगा तो ये हो जाएगा 4+0 और ये 1/x² भी 0 होगा तो ये भी 0 / 5-0 प्लस 0 तो कितना हो गया 4/5। ये हमारा हो गया सेकंड प्रोसेस। ठीक है, अब तुम्हारा जो लास्ट प्रोसेस जो हम लोग करेंगे वो लास्ट प्रोसेस क्या है, वो लास्ट प्रोसेस है हमारा जो सबसे इनोवेटिव प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ऊपर का और नीचे का डिग्री क्या है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऊपर का डिग्री मीन्स डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हमारा कितना है, सेम है। जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम होगा तो हाईएस्ट पावर का कोफिशियंट का जो रेशियो लेंगे वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, x² का कोफिशियंट 4, नीचे में x² का कोफिशियंट 5, आंसर कितना हो गया 4/5। ठीक है, वैसे हम दूसरे केस पे जाते हैं, चलिए इसको हम काम करते हैं, जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने से पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4x² प्लस 3x प्लस 2 / दिया हुआ है 3x माइनस 4। यहाँ आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपका हो रहा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो आपका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से क्या है, ज्यादा है। तो इस वाले केस में आप क्या करेंगे, आप वो सेम लॉपिटल से या फिर 1/x टेंड्स टू 0 वाले फॉर्म को अप्लाई कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आंसर होगा उसको हम शॉर्टकट में डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि यहाँ ध्यान दीजिए कि ऊपर का पावर और नीचे का पावर में क्या है, आपका ऊपर का पावर ज्यादा है। तो आप ऐसे सोचिए जब ऊपर का पावर ज्यादा है तो आंसर बहुत बड़ा आएगा, तो आंसर जब बहुत बड़ा होगा तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। समझ में आया। वैसे अगर हम दूसरा केस देखें, अगर हम एक और केस देखें कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मान लीजिए 3x माइनस 4 / दे दिया 7x² प्लस 4x प्लस 2, ये भी आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। लेकिन
इस वाले केस में अगर आप सेम प्रोसेस से कीजिएगा तो उसका आंसर निकल जाएगा, और आप शॉर्टकट अगर ट्राई कीजिएगा तो आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि ऊपर का पावर और नीचे का पावर में ज्यादा कौन सा है, नीचे का पावर ज्यादा है, मतलब इस वाले केस में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो आपका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, इसका मतलब नीचे का नंबर बहुत बड़ा होगा मान लीजिए, तो ऊपर का छोटा नंबर बाई नीचे का बहुत बड़ा नंबर, जब भी नीचे का नंबर बहुत बड़ा होगा तो समथिंग बाई बड़ा नंबर क्या होता है, समथिंग बाई इन्फिनिटी, आंसर ऐड क्या हो जाएगा, जीरो। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, टोटल हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज किस फॉर्म में करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका दिया हुआ है ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आपका दिया हुआ है ए एन बाई, यहाँ पे दिया हुआ है आपका बी नॉट एक्स पावर एम प्लस बी वन एक्स पावर एम माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में आपका दिया हुआ है बी एन। तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या क्या वैल्यू हो सकता है ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारे केसेस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ऊपर का जो जो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ऊपर का जो आपका डिग्री है, ऊपर का डिग्री आपका एन है, नीचे का डिग्री एन है, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा डिग्री का रिलेशन क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ, मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू एम हो गया, अभी मैंने बताया था ऊपर और नीचे का डिग्री जब सेम होगा तो आंसर क्या होगा, वो आपका हाइएस्ट पावर का कोफिशियंट का रेशियो ही हमारा आंसर होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऊपर का जो डिग्री एन है वो नीचे का डिग्री एम से ज्यादा हो गया, ऊपर जब जाता है तो आंसर बहुत ज्यादा आएगा, तो आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे आपका इन्फिनिटी। और लास्ट केस क्या है कि जब ऊपर का डिग्री एन नीचे का डिग्री एम से जब छोटा हो जाएगा तो क्या सोचेंगे कि नीचे में बहुत बड़ा नंबर है, मतलब नीचे में इन्फिनिटी मान लीजिए, तो समथिंग में इन्फिनिटी क्या होगा आपका, जीरो। लेकिन यहाँ पे सेकेंड वाले केस में दो केस कर सकते हैं, दो केस का मतलब क्या है कि इसमें एक प्लस इन्फिनिटी की बात करेंगे एक माइनस इन्फिनिटी की बात करेंगे। तो प्लस इन्फिनिटी तब होगा जब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ए नॉट और बी नॉट का जो प्रोडक्ट या फिर रेशियो है वो अगर पॉजिटिव हुआ तो हमारा आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा, और जब ए नॉट और बी नॉट का जो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो हमारा आंसर माइनस इन्फिनिटी आएगा। और ये दोनों हमारे किस केस के अंदर में आएगा, एन ग्रेटर देन एम के केस। अब आप सोचिए कि ए नॉट बी नॉट जब पॉजिटिव है इसका मतलब दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं या फिर दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं, इसका मतलब कैंसिल भी करेंगे तो नेट रिजल्ट आपका प्लस में ही आएगा, इसलिए प्लस इन्फिनिटी। और जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट को नेगेटिव की बात करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस होगा, दैट मीन्स डिवाइड कीजिए या फिर मल्टीप्लाई कीजिए आपका एक माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा तो आपका माइनस इन्फिनिटी हम लोग ले देंगे, ठीक है। चलिए इस पे हम तीन चार क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट आपका x टेंस टू मान लीजिए इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे आपको दे दिया है सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, माइनस मान लीजिए दे दिया है ए एक्स माइनस बी आपको दे दिया है, और इसका वैल्यू आपको मान लीजिए दे दिया है आपको टू। तो आपको यहाँ पे फाइंड ए और बी करना है, फाइंड ए एंड बी कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट करने से पहले हम लोग को तो फॉर्म पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल लेके आना पड़ेगा, इसका मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी होल बाई हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन, इसका वैल्यू कितना होगा टू। तो फिर यहाँ क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर कोफिशियंट को हम सेम लेंगे कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पे आपका आएगा वन माइनस ए, एक्स की बात अगर करेंगे यहाँ पे आएगा आपका ए प्लस बी इंटू एक्स, और लास्ट में आपका बच जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट वाला टर्म वन माइनस बी बाई आपका हो गया एक्स प्लस वन इक्वल टू आंसर है टू। अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ लिमिट भी रहेगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो है, लेकिन आंसर जो आ रहा है वो फाइनाइट आ रहा है। तो हमने जो आपको तीन केस बताया उसमें आंसर आपका ए नॉट बाई बी नॉट था, या फिर प्लस माइनस इन्फिनिटी था, या फिर क्या था, जीरो था। इसका मतलब यहाँ जीरो और प्लस माइनस इन्फिनिटी तो नहीं है, तो रिमेनिंग जो केस है कौन सा है, ए नॉट बाई बी नॉट। इसका मतलब यहाँ पे सीन्स आपका आंसर इज फाइनाइट, सीन्स आंसर इज फाइनाइट, इसका मतलब वो ऑब्वियसली आपका ए नॉट बाई बी नॉट वाला केस होगा। ए नॉट बाई बी नॉट वाला केस होगा, इसका मतलब क्या, ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम होगा। नीचे का डिग्री को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर का डिग्री को हम हटा सकते हैं। ऊपर का डिग्री आपका टू है, नीचे का वन है, तो अगर वन और वन हमें करना है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को हटना पड़ेगा, तो तभी हटेगा जब वन माइनस ए का वैल्यू जीरो होगा। तो ए का वैल्यू कितना होगा, वन। वैसे ही जब इसको जब जीरो कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो कितना है, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू इन्फिनिटी, ये पार्ट तो आपका जीरो हो गया, ये पार्ट कितना होगा, माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन माइनस बी बाई कितना आ गया, एक्स प्लस वन इक्वल टू टू। अब चेक कीजिए लिमिट फाइनाइट है, इसका मतलब ऑब्वियसली ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री क्या है, सेम है। तो हमारे ए नॉट बाई बी नॉट का जो वैल्यू है वही हमारा कितना दिया हुआ है, वही टू दिया हुआ है। यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू मतलब कितना है, ऊपर में देखिए तो माइनस ऑफ ए प्लस बी, और बी नॉट मतलब एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो गया वन, वो वैल्यू हमारा कितना है टू। यहाँ से हम बोल सकते हैं कितना आपका, कि आपका ए प्लस बी का वैल्यू हो गया माइनस टू, ए का वैल्यू तो हमें पता है प्लस वन है। अगर हम ए का वैल्यू यहाँ प्लस वन पुट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा वन प्लस बी इक्वल टू माइनस टू, तो बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस थ्री। देयरफॉर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो ए का वैल्यू वन होगा एंड बी का वैल्यू आपका माइनस थ्री होगा। ऐसे बहुत सारे केस देख सकते हैं जिसमें आपका ये टू के जगह पर इन्फिनिटी या फिर जीरो दिया हुआ है, उसको हम लोग जो हम लोग वो तीन चार केस बताए जनरलाइज फॉर्म में, वैसे हम लोग अप्रोच कर लेंगे। थैंक यू।